आइएगा तो जान लेंगे। देखो ना यार पापा है ना कोई तो भी बिहार की वेब सीरीज देख रहे हैं और पिछले 2 घंटे से पापा ये वेब सीरीज देख रहे हैं, हमको टीवी देखनी थी। पापा बदलो ना ये, कुछ अच्छा लगाओ ना, हमको टीवी देखनी है, कब से पिछले 2 घंटे से देख रहे हो। क्या देखने का नाम बोलने का, सिर्फ अच्छा लगा अच्छा लगा नहीं, क्या देखने का है? कुछ अच्छा लगाओ। हाँ ना मम्मी, कितनी देर से बोर कर रहे हैं पापा ये वेब सीरीज देख के, कुछ अच्छा लगा। अरे क्या लगाने का, वो तो बोला अनुपम लगा। हाँ वो लगाओ। क्या अनुपम लगाओ ना थोड़ी देर, प्लीज रहने दो, थोड़ा शांति रहने दो घर में, आप भी थोड़ा ड्रामा देख लो, लगा लो पापा ये बहुत अनुपम लगाए तो अच्छा लगता है। अरे रहने दो। हाँ। देखो पापा है ना ये कोई तो भी बिहार वाली रंगबाज सीरीज देख रहे हैं और हमको टीवी नहीं देखने दे रहे। हाँ पापा, कृष्णा को मैंने पापड़ लाने के लिए भेजा है, कब से आ रहा है वो पता नहीं कहाँ अटक गया। यहाँ सारे बच्चे, अरे ये क्या लाया तूने, ये क्या बात हुई, धीरे से चल। पापा तुम्हारे ना बोले कि चिल्लाएंगे। गया गया ये ले ले तेरे मम्मी लगो गुस्सा। चल ला इधर दे पापड़, 50 घंटे से ला रहा, कहाँ अटक गया था। मैंने लाया था। किसने लाए, किस लिए लाई है, चल बता जल्दी। टिफिन क्या ले, अरे क्या टिफिन में कचरा खाते हैं बच्चे, रोटी भाजी खाया कर, लेके जाया कर, चल ना रोटी सब लेके जाया कर टिफिन में। ये वेब सीरीज कब खत्म होने वाली है? अभी टाइम में 2 घंटे और लगेंगे। 2 hours later। बाप रे 12 बजे में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं ना सोनाली को फोन करती हूँ क्योंकि 12 बजने के बाद उसका बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। होप कि मैं ही सबसे पहले उसको विश करूं। हैप्पी बर्थडे सोनल दीदी। थैंक यू डिपो। तूने पहली बार में तो फोन ही नहीं उठाया, सो गई थी क्या? हैप्पी क्या तेरे को पता नहीं था मैं विश करूंगी तेरे को सबसे पहले? अच्छा मैंने ही विश किया ना तेरे को सबसे पहले। अरे कोई बात नहीं, अभी बस तू कल का वेट कर, कल तेरे लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो जा अभी। हाँ तू भी सो जा, गुड नाइट। तो आप में से ना काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सोनल दीदी कौन है और अभी वो आपके वीडियो में ज्यादा क्यों नहीं दिखती है, पूछा है ना? तो क्या है, जब हम है ना पुराने वाले घर पे रहते थे ना, तो सोनल दी और उनकी फैमिली है ना हमारी बिल्डिंग में रहते थे रेंट से। तो अभी क्या है, अभी हम हमारे न्यू वाले घर में शिफ्ट हो गए और सोनल दी उन्होंने भी उनकी रूम चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो गए वो, इसीलिए ना अभी हम दूर दूर हो गए, तो हमारे से रोज मिलना नहीं होता है। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट चेंज करके ना सो जाती हूँ, अभी बस आप है ना कल का वेट करना। और मम्मा पापा ने कहा है कि उन्होंने सोनल दी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, अब देखते हैं मम्मी पापा ने क्या सरप्राइज प्लान किया है सोनल दी के लिए। तो चलो अभी मैं ना फटाफट जाके रेडी हो जाती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं सोनल दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। आज है सोनल दीदी का बर्थडे है तो कुछ ना कुछ सरप्राइज तो बनता है, तो हम सोनल दी को है ना आज कुछ तो सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज देंगे आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और अब भी लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, चलो फिर हम लोग अभी चलते हैं और मम्मी पापा रेडी हुए कि नहीं देखते हैं। मम्मी रेडी हो, चलो ना। मेकअप से रेडी हूँ। वाह कितनी मस्त लग रही है मम्मी, चलो ना पापा। कितना टाइम पास कर रहे हो? देखो ये जो इयररिंग है ना ये हमने सरोजनी नगर मार्केट से लिए थे, हो गया फिर? चलो मम्मी चल जाती क्या।
पता ही था मुझे ये कपड़े पहन के आएंगे। तो क्या पहन के आओ फिर? पापा ने वही पुराने दुराने कपड़े पहन लिए है, कितनी बार बोलूं नए कपड़े पहनो लेकिन नहीं। क्या पापा हमेशा ये पुराने दुराने कपड़े पहनते रहते हो? अच्छा दिखना है ना, लेडीज लोगों का काम रहता। हमारा क्या है, 10 दिन सेम कपड़े पहने तो कौन पूछने वाला है? ऐसे कुछ नहीं रहता, कभी कभी पहन लेने चाहिए अच्छे कपड़े। बर्थडे हो या हाँ। खुद के बर्थडे में नहीं पहनते अच्छे कपड़े? हाँ, खुद के बर्थडे में भी पापा अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तो मम्मी पापा बताओ, सोनल दी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या सोचा है आपने? देखेंगे ना अभी, चलो ना, हम तेरे मम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से सोनल को एक गिफ्ट देंगे। अच्छा ठीक है, क्या गिफ्ट होगा? और जब वो देंगे तभी देख लेने का ना। तो मुझे तो बता ही सकते हो ना, सरप्राइज तो उसके लिए होगा वो। तो चलो मम्मी लगाओ सोनल दी को फोन। हाँ एक मिनट लगाओ, उसको बोलो आने के लिए। तो सोनल दी है ना परीक्षा के आगे है, मैं ना उधर जाती हूँ और उसको है ना हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी पापा। सोनल दी है ना उधर की साइड अभी है ना, मैं धीरे से जाती हूँ और उसको है ना विश करती हूँ। वो देखो वो देखो, ये देखो चालू हो गया इनका। पतली दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ? चलो बताओ अभी कहाँ जाना है हमें। हाँ फर्स्ट तो सरप्राइज है सोनल दीदी के लिए, उसके बाद में हम केक कटिंग करेंगे। और सरप्राइज मुझे भी नहीं पता, तेरा सिर्फ मम्मी पापा को पता है। क्या है सरप्राइज अभी देख, मुझे भी नहीं पता, इनको पता है। भैया आप तो बता दो। देखो ना अभी तुम चल रहे ना, मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है सोनल दी। पापा अभी तो बता दो ना हम कहाँ जा रहे हैं। अभी पहुँच गए अपन, देख लेना कहाँ जा रहे हैं। वाह ये तो हम मॉल में हैं। मॉल में? चलो ये क्या चल रहा है, देखो पार्किंग में। घर जाके भी तो आशीर्वाद लिया जा सकता है ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया हम मॉल में क्यों आए। और मेरे तरफ से सोनल दीदी को एक ड्रेस गिफ्ट। वाह ड्रेस गिफ्ट देना है सोनल दीदी को? ये तो कितना मस्त है। सोनल दीदी को भी कुछ खबर नहीं है, हम सीधा पैंटलून लेके जाएंगे फिर पापा वहाँ पे सरप्राइज देंगे। सोनल दी एनी आइडिया हम इधर क्यों जा रहे हैं? क्या पता। क्या अच्छा लग रहा है देखो पूरे पैंटलून में। जो बोलेंगे वो लेंगे। सभी दे रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जीन्स देख ले। हाँ जीन्स देख ले। चलो देखते हैं सोनल दी को कौन सी जीन्स अच्छी लगती है। मुझे तो पता है कि है ना ये कुछ अच्छा सा ही पसंद करेगी। जा ट्राई करके आओ, मेरे को भी दिखा। तो देखो मैं अपने लिए ना लेगी भी देख, हाँ ऐसे कलर में, क्योंकि अभी मेरे पास जो लेगी है वो अभी खत्म हो चुके हैं, मतलब नए लेगी भी तो चाहिए ना। ये वाली एक और मम्मी ने ये वाली एक ली है, ये व्हाइट स्लीवलेस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। चलो मैं भी अपने ये जो दो लेगी है ना ये ट्राई करके देखती हूँ कैसे लगते हैं। कैसा लग रही है रेड वाली लेगी और व्हाइट वाला स्लीवलेस? देखो मम्मी अब कैसी लग रही है लेगी? अच्छी लग रही है। देख कितनी अच्छी लग रही। फिर दोनों वाली है, दोनों ले लूं? ठीक है। ये कौन सी दिख रही है, ले ले। ये क्या, ये मेरे में पहन के आई हूँ अभी। उसकी है वो खुद की। कौन सी जींस अच्छी लगी तेरे को? कंफ्यूज है, तू बता मेरे को कौन सी लुक। ये वाली की? ये वाली अच्छा लग रहा है। और इसने जो जींस ली उसका अच्छा लगेगा। फर्स्ट सोनल दी कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। येलो वाला भी ट्राई कर। येलो वाला ट्राई कर। अच्छा लग रहा है तेरे को येलो, ले ले फिर।
हाँ मैं आती हूँ बिल करके, अभी आई मैं। बिलिंग कर रही थी और ये सोनल दी आके बोली कि जीन्स कैंसिल करनी है और उसको ये लेना है। अच्छी नहीं है। हाँ, उसको ये हमेशा ट्राई कर जल्दी। वाओ कैसी दिख रही है, अच्छी लग रही है, जीन्स से ज्यादा अच्छी लग रही है ना मम्मी। दो उसको यही पसंद आता हमेशा। हाँ, लास्ट टाइम भी आई थी लेकिन तब मिली नहीं थी। ठीक है, ये फाइनल करनी है या फिर मैं खुद बिल करना है। तो सोनल देखो है ना, ये ब्लैक वाली जाएगी, अच्छी लग गई, जीन्स भी अच्छी है लेकिन उसको ये अच्छा लगा। चलो डन कर लिया मैंने बिल। चलो लेट्स गो। हाँ ये लो। तो ये हमारे तरफ से सोनल दीदी को गिफ्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया डिब्बे टिको भी थैंक यू। जा पहन के आओ, जा जा। तो हमने अभी जो सोनल दीदी के लिए कपड़े लिए ना, वो भी सोनल दी जाके है ना पहन के आ जाएगी। चलो खाने खाऊंगा तो ऊपर जाएंगे। क्या खाना है? पिज्जा खाएंगे पापा। बहुत दिन हो गए मैंने पिज्जा नहीं खाया ना, आज हम पिज्जा खाएंगे। सोनल दी को पूछ, सोनल बर्थडे बता, बर्थडे कल क्या खाना है? देखो क्या खाने का है, पिज्जा तो पिज्जा। चलो चलो देखते पापा कौन सा पिज्जा ले रहे हैं। कौन सा पिज्जा पापा? देखो ना कौन सा खाने का तुमको। चलो तो अभी पिज्जा बन रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पिज्जा को बनने में। पेट पूजा भी तो करनी है ना सोनल दी। हां पेट ड्रेसेस ट्राई कर रही हूं, भूख लग गई। मैं तो कब से वेट कर रही हूं कब पिज्जा आएगा। हेलीकॉप्टर के पंखे टांगे रखे वहाँ पे। चलो हो गया शायद हमारा पिज्जा रेडी, लेके आते हैं। चलो हमारा पिज्जा ओपन करते हैं। रुको खाओ, ये खोलना वो भी करो, तुम्हारा स्टोरी वोरी जरा फटाफट करो। हाँ, देखो वो तुम्हारे स्टोरी वोरी बनने तक का तो ठंडा हो जाएगा वो। हाँ, हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। घर पे ना मैगी में डालने में काम आएगा ये सब। कोई देखा तो नहीं ना, किसी को नहीं पता चला। चलो पिज्जा पार्टी हो गई, अभी हम लोग चलते केक कटिंग करने। चलो जल्दी आना। मैं आ गई। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल से और बाहर जाके हम केक कट करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंजुलिका में केक लेने के लिए। यहाँ से केक लेंगे फिर केक कटिंग करेंगे। चल सोनल दी बता तेरा कौन सा फेवरेट केक है, हम वही केक लेंगे आज। आज तू जो बोलेगी वही होगा। ये वाला पसंद आया सोनल दी। चलो मंजुलिका का केक हमने ले लिया और मैंने ना सोनल दीदी के लिए क्राउन भी ले लिया, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमें ना सोनल दीदी के बर्थडे के दिन है ना देवी माता का दर्शन करके आएंगे। सोनल दी कितना अच्छा है ना, तेरे बर्थडे के दिन हम मंदिर जा रहे हैं। हाँ। एक काम करते हैं वहीं पे केक कट करेंगे, ठीक है? हाँ। चल देवी माता का आशीर्वाद लेंगे, वैसे तो उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ है। इधर मम्मी के पास होगा। मम्मी ची, पापा ये क्या किया आपने? मच्छर था। तो ऐसे कौन मारते? ची मम्मी नहीं, पापा भी ना। चलो अभी मैं ये सिक्का लगाऊंगी। ये लग गया, मेरा सिक्का लग गया मम्मी का। बर्थडे
सब खा गए। अभी हम लोग खा रहे हैं मंचूरियन और फ्राइड राइस। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच। दीदी भैया थैंक यू सो मच। चलो सोनल दी जा रही है। आज हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए और बहुत अलग अलग डिशेस भी ट्राई किए। और सोनल दी देखो गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा था ना? अब वो पहनेगी ना? भैया मैं तेरे लिए आज है ना सारा दिन कर दिया, विश की क्या बात है। ये ले, ये तेरा केक मार्जिनिस का, ठीक से पकड़ के। मंजुलिका हमारा आज का दिन सबके चेहरे पे खुशी लाना, इसी से तो हमें भी खुशी मिलती है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्वीट वीडियो में।